कार्य, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं उसको ऑप्शन दे ही रहा हूँ, ऑप्शन बिल्कुल रहेगा उसको, लेकिन लेकिन विद कॉस्ट रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और एक ही नंबर पर अगर 10 कैंडिडेट हैं तो चूंकि हम जितनी संख्या, यही फाइनल एग्जाम है, इसी पर सिलेक्शन होना, हम लोग प्राथमिकता देते हैं अगर सेम नंबर पर है तो वो टाई ब्रेकर रूल का पार्ट हो गया। इसको इसकी जब व्याख्या हम लोगों ने कर दिया उस रिजल्ट के साथ साथ, तो उसके आलोक में एक कैंडिडेट ने हम लोगों से ये परीक्षा किया, वो तो नहीं चलेगा। उस कैंडिडेट ने बहुत सही अभी पॉइंट रेज किया और इस पर हम लोग तुरंत निर्णय लेकर के हम लोग ने ये किया कि विचार किया कि हम लोग ऑप्शनल पेपर के बदले जो हम लोगों ने निबंध लाया है तो निबंध को हम लोग टाई ब्रेकर फॉर्मूला में यूज करेंगे। लोगों को ये समझना होगा, पहले मैं ये जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विद कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लगेगा, ठीक है, ये आप समझ जाएं। और इस बार हम लोग जो ऑब्जेक्शन की जो व्यवस्था जो करेंगे, अभी तक हम लोग ईमेल से लेते रहे, हम ईमेल से नहीं लेंगे। उन्होंने कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी दिया, कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी दिया। ऐसा इसलिए कि पीटी एग्जाम में क्या होता है, जैसे कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम में जब पीटी हम लोग लेते हैं तो एक ही कट ऑफ नंबर पर जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको ले लेते हैं, ठीक है, उस सबको ले लेते हैं। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो एग्जाम हुआ, इसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और एक ही नंबर पर अगर 10 कैंडिडेट हैं तो चूंकि हम जितनी संख्या, यही फाइनल एग्जाम है, इसी पर सिलेक्शन होना, तो हम 10 कैंडिडेट को तो ले नहीं सकते हैं। एक ही नंबर पर जब 10 कैंडिडेट हैं तो 10 को तो नहीं ले सकते हैं, तो हमको टाई ब्रेकर रूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो टाई ब्रेकर रूल में डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो एज है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसका ज़्यादा एज है उसको हम लोग, वो हमारा रूल है बना हुआ है, और उसी ज़्यादा एज वाले को हम लोग प्राथमिकता देते हैं अगर सेम नंबर पर है, तो वो टाई ब्रेकर रूल का पार्ट हो गया। इसकी जब व्याख्या हम लोगों ने कर दिया उस रिजल्ट के साथ साथ, तो उसके आलोक में एक कैंडिडेट ने हम लोगों से ये परीक्षा किया जो कि आज ही डाक में आया और इस पर हम लोगों ने तुरंत निर्णय ले लिया, वो ये कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में टाई ब्रेकर में, अभी हम रिटर्न मतलब एग्जाम में टाई ब्रेकर में हम लोग जिस ऑप्शनल पेपर में जब ज़्यादा नंबर आता था उसको हम प्राथमिकता देते थे टाई ब्रेकर के केस में। अब इसमें क्या है, अब हम 68th में ऑप्शनल पेपर तो क्वालिफाइंग हो गया, क्वालिफाइंग पेपर में किसी को ज़्यादा नंबर आ रहा है किसी को कम नंबर आ रहा है, जब उसके नंबर को हम मेरिट में जोड़ते ही नहीं हैं तो टाई ब्रेकर में वो तो नहीं चलेगा। उस कैंडिडेट ने बहुत सही अभी पॉइंट रेज किया और इस पर हम लोग तुरंत निर्णय लेकर के हम लोग ने ये किया कि विचार किया कि हम लोग ऑप्शनल पेपर के बदले जो हम लोगों ने निबंध लाया है तो निबंध को हम लोग टाई ब्रेकर फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। मतलब ये कि इस बार 68th के मेंस में टाई ब्रेकर में निबंध रहेगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कार्य, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं उसको ऑप्शन दे ही रहा हूँ, ऑप्शन बिल्कुल रहेगा उसको, लेकिन cost. लेकिन विद कॉस्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 68वीं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन आए, पहले एक्सप्लेन कर दिया गया, जिसको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है सर, सब सब का मेंस का रिजल्ट सब टाइम किया जाएगा सर। गुड कि आप लोगों ने यह भी पूछ लिया, कई बार लोग पूछते रहते हैं। देखिए लोगों को ये समझना होगा, पहले मैं ये जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विद कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लगेगा, ठीक है, ये आप समझ जाएं। और इस बार हम लोग जो ऑब्जेक्शन की जो व्यवस्था जो करेंगे, अभी तक हम लोग ईमेल से लेते रहे, हम ईमेल से नहीं लेंगे, अब हम पोर्टल से लेंगे, क्योंकि अब हम पोर्टल से आपको लॉक करेंगे, इन द सेंस कि
अगर आपने प्रथम बार अगर आपने ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया है तो द्वितीय बार आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तो आपको पोर्टल से ही कर सकते हैं, हम पोर्टल के बाहर ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परिवर्तन हम लोगों ने किया ताकि लोगों का अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, लोग सही तरीके से अपना हिसाब लगा के बनाएं, स्रोत बतलाएं। हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में दिया, सब चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आप भी समझ करके अगर ईमानदारी से आपको लगता है कि वाकई में उसमें गलत हम लोग कुछ कर रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स आप बताइए हमें, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप बता दीजिए ना। हम तो फर्स्ट टाइम ही कई ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के जिसमें मुझे लगता था कि गलत लोग उसके समझ सकते हैं, तो हम लोग पहले ही एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिए। अगर उसने पहले बार में नहीं ऑब्जेक्शन किया है तो सेकंड बार में उसको करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। पहली बार जो करेगा वही सेकंड टाइम कर सकता है, वो फाइनल है। अब रही बात एक और प्रश्न आपने पूछा, नहीं आपने मूल्यांकन के बारे में पूछा था। देखिए अभी हम लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो MCQ बेस्ड जो एग्जाम्स का मूल्यांकन तो कंप्यूटर से कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी स्पीडअप किया और कई मूल्यांकन हम लोगों ने सही कर लिया। जो क्वेश्चंस आंसर की का जो कठिनाई होती थी उसको हम लोगों ने और हमारे सचिव साहब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कई राउंड में, अब आप देख रहे हो कि रिवाइज SOP के लाइट में हम लोगों ने करेक्ट करके आंसर की हम जो फाइनल कर रहे हैं, अब उसी पर हम आंसर उसी पर फिर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और हमारा MCQ बेस्ड जो जितने बचे हैं, शायद दो बचते हैं ना, दो बचे हैं, कौन कौन, एक असिस्टेंट टाउन प्लानिंग वाला, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग का है और एक और कोई बच रहा है, तो इन दो का हम लोग इसने एक MCQ बेस्ड और एक रिटर्न है शायद वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये दोनों का हम लोग रिजल्ट दे देंगे इस महीने के अंत तक। अब रही बात की जो बाकी जो बचते हैं रिटर्न के, रिटर्न में रिटर्न एग्जाम्स का इवैल्यूएशन जो है ना, वो जो हम लोगों ने जो असेस किया था शुरुआती दौर में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है नए सिस्टम से काम करने का। नए सिस्टम में काम करने में और कोई बात नहीं है, नयापन होने के कारण से लोग यूज टू नहीं है कंप्यूटर पर काम करने के लिए, इसलिए विलंब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे कई एक्सपर्ट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे काम करना, किसी किसी लोगों को आँख में प्रॉब्लम भी आ जा रहा है, दर्द हो जा रही है, ऐसे कई लोग हैं। और दूसरा कि उतने कंप्यूटर सेवी नहीं होने के कारण से इसका पन्ना पलटना, प्लस हमारी कॉपीज जो मुद्रित है वो अभी कंप्यूटर ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के हिसाब से वो मुद्रित नहीं थी, वो प्रिंटिंग जो था वो नॉर्मल तरीके का प्रिंटिंग था, उसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली पेज नंबर 2 से 5 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पेज पर आंसर लिख सकता था। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब स्कैन कॉपी होता है उसको पेज पलटना पड़ता है कि मेरा वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है, टाइम लगता है। तो इसके कारण से जो इन सब कारणों से हमारे जो रिटर्न एग्जाम्स के जो हैं वो थोड़ा डिले होगा। हम लोग उसमें कुछ हद तक उसको हम लोग कंपनसेट करने का कोशिश करेंगे इंटरव्यू में नंबर ऑफ बोर्ड्स बढ़ा कर। और अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे मेंबर्स आज ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारे ऐसे भी बोर्ड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे, सो दैट कि कुछ हम समय वहाँ पर बचा लें और हम इसको रिजल्ट को निकालें। और अगली बार के लिए जो कि 68 मेंस के लिए लागू हो जाएगा, इसलिए 68 मेंस के कैंडिडेट इस बात को समझ लें कि इस बार जो उनकी जो कॉपीज होगी उस कॉपी में कौन से क्वेश्चन को किस पेज पर लिखना है वो फिक्स रहेगा, वो उसको उसी जगह पर लिखना है, ये नहीं कि वो कहीं और पर भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर से ऑन स्कैन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं कर रहे हैं इस बार, मतलब जो ऑलरेडी 67 में हो चुका है
कि हम एक एग्जामिनर को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को सारे कॉपीज को आप इवैल्यूएट कीजिए। अब चूंकि कैंडिडेट ने किस पेज पर वो क्वेश्चन लिखा मालूम नहीं है, तो उसको तो हम एग्जामिनर को हम पूरी कॉपी स्कैन कॉपी दे देते हैं, वो उसमें से पन्ना पलट कर देखता है कि उसका वाला क्वेश्चन किस पेज पर, टाइम लगता है उसमें। और जैसे कंप्यूटर साहब भी नहीं है, पन्ना पलटते पलटते कभी आगे बढ़ गया फिर पीछे जाएगा, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम ना, तो उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, उतना नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कि 68 में उसमें कॉपीज में फिक्स्ड प्लेस पर क्वेश्चन रहेगा कि इसी जगह से आपको लिखना है, मतलब उतना ही दूर में आपको लिखना है, जैसा कि और भी एग्जाम्स में यूपीएससी भी शायद करता है। 68वीं में अलग था, ये नहीं था कि किस पेज पे लिखना है। अब 68वीं से हो जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन में लोग अभी जैसे यूज टू भी हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ भी रहा है, और अगर हम 68 में जैसे कॉपीज इस तरह से अगर हम मुद्रित कर देंगे तो आसान हो जाएगा, फिर हम एग्जैक्टली वही वाला पेज देंगे जिस पेज पर उनका क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसमें